एलिप्स, आई थिंक पैराबोला वगैरह तुम्हारा कंप्लीट हो गया था, यू हैव टू स्टार्ट विद एलिप्स, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं. ओके, सो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ कॉनिक सेक्शन, विल फॉलो फ्रॉम देयर ओनली. हेलो, जस्ट अ सेकेंड. So, morning everyone. Chalo. So, what was the basic definition of a conic section? Conic section was as long as a fixed point is given and a fixed line is given. We can define a conic na depending upon the ratio. Sabse basic definition kya tha, if you recall, distance from a fixed point upon distance from a fixed line must be a constant, and that constant was called eccentricity. And depending upon the eccentricity का जो भी अलग अलग कोनिक निकाल सकते हैं. तो आप लोगों को याद होगा कि eccentricity one था in case of parabola. What was the eccentricity in case of ellipse? Ellipse की eccentricity क्या होता था? Less than one. Between 0 to 1. Anywhere between 0 to 1 is fine. ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा कि जैसे if it is very 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 close to zero, eccentricity is very very close to zero. Conic becomes circle. तो eccentricity proper zero को we call a perfect circle, and जैसे जैसे eccentricity बढ़ाते जाते हैं it becomes ऐसा थोड़ा सा stretch होता जाता है, एकदम ऐसा ठेपले जैसा बनता जाता है. Alright, ऐसा. And an infinite ellipse is almost like a parabola. ऐसे infinite stretched ellipse is like a parabola. Eccentricity one is parabola. तो अभी अपन eccentricity zero से one के बीच में मतलब ellipse के लिए पढ़ रहे हैं. तो ellipse क्या होता था? Distance from a fixed point is equals to eccentricity times distance from a fixed line. That is the definition that we are going to follow. And eccentricity is a fixed constant somewhere between 0 to 1. All right. तो अब अपन थोड़ा सा construction करते हैं. Construction अच्छे से समझोगे तो अपन को ज़्यादा ellipse में problem नहीं होगा. सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी. तो construction पे थोड़ा सा ध्यान दो. So क्या-क्या given है? I'll repeat. क्या-क्या given है? एक fixed point given होगा obviously. So let this fixed point be S. एक फिक्स लाइन गिवन होगी, तो लेट दैट फिक्स लाइन बी दिस लाइन. ऑलराइट, तो ये फिक्स पॉइंट और ये फिक्स लाइन है. तो फिक्स लाइन वाज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स एंड फिक्स पॉइंट वाज कॉल्ड फोकस. एंड ऑफ कोर्स दे मस्ट बी गिविंग अस रेशियो आल्सो. इसेंट्रिसिटी भी गिवन होगा. तो अगर ये तीनों इन्फॉर्मेशन गिवन है तो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट अ एलिप्स कैसा दिखेगा. एलिप्स, ऑलराइट. सो कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले देखो मैं क्या कर रहा हूँ. एस एंड this point z ko kya bolte the, if you recall, z is called foot of directrix. All right, so s fixed hai aur line fixed hai, to z bhi fixed hai. Z is also known apparently. So construction ke liye apan kya karte hain, let a and a dash divide s and z are fixed in ratio e is to 1 इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों. ठीक है, एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जो एस और जेड को ईस्ट टू वन इंटरनली डिवाइड कर रहा है और एस और जेड को ईस्ट टू वन एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है. तो जैसे ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो, लेट्स से एसेंट्रिसिटी वाज हाफ, तो देयर मस्ट बी अ पॉइंट ए सच दैट दिस ए एस अपॉन ए जेड इज हाफ, ऐसा. ठीक है, एंड देयर मस्ट बी अ पॉइंट समथिंग लाइक ऐसा ए डैश थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, ए डैश such that a dash s upon a dash z is also half. So main likh deta hu, that is as is e times az, because as upon az is e, so as is e times az, and a dash s is also e times a dash z. theek hai, since s and z were fixed, e was also fixed, I can say a and a dash are also fixed. Ratio fixed hai aur s aur z fixed hai, to tumhara सेक्शन फॉर्मूले के बाद ए और ए डैश फिक्स्ड पॉइंट्स आएंगे. ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट काफी क्रूशियल होते हैं कंस्ट्रक्शन में, तो इसलिए मैंने पहले निकाल के रख दिया. बट अपन को अगर इक्वेशन निकालना है तो दिस इज द रूल, ये चीज यूज करके अपन इक्वेशन निकालेंगे. एंड फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन आई नीड टू हैव फोकस एंड आई नीड टू हैव डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन. तो अभी तक अपन ने ऐसा कुछ देखा नहीं है, तो देखो अपन करते हैं अच्छे से. सिंस वी आर ट्राइंग टू डिराइव सिंपलेस्ट पॉसिबल एलिप्स, तो मैं अपनी मर्जी से थोड़ा सा इसमें कुछ कुछ अजम्पशन ले सकता हूँ. देखो, फोकस फिक्स्ड है, हाफ फिक्स्ड है, डायरेक्ट्रिक्स फिक्स्ड है,
हाँ फिक्स है। तो एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन अपन कर रहे हैं, तो let AA dash line be x axis, is this okay? This can be very well any other line, but फिलहाल मैं simplest possible equation derive करने की कोशिश कर रहा हूँ, which is called standard ellipse. तो AA dash को मैं फिलहाल अपने खुशी के लिए x axis assume कर रहा हूँ, okay? AA dash is x axis, let AA dash be some distance to A. Listen to this, और argue करना है तो अच्छे से कर लो. A और A dash fixed points थे ना apparently, क्योंकि S और Z fixed थे और E fixed था. तो A और A dash के बीच में कुछ distance रहा होगा, which is a known distance. तो अगर known distance है, वो fixed points है, तो ये distance भी known है, तो उस distance को मैंने बोल दिया, चलो उसको 2A बोल देते हैं. मतलब whatever that distance is, let it be called 2A. Alright? And let C 0 0 be midpoint of A and A dash. Okay? तो A और A dash का जो भी midpoint होगा, somewhere over here, ऐसा कुछ, उसको मैं बोल देता हूँ origin. Let this be the origin. तो अब अपन क्या करना है, ये छोटा सा बेसिक assumption है, तो अपन को इस assumption को लेते हुए अपना ellipse derive करना है. Alright? तो ये C है और ये वाला लाइन y एक्सिस हो जाएगा sort of. Alright? If this is origin, then this is y एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया. Alright? अब मुझे क्या क्या निकालना है, अभी भी मेरा काम तो नहीं बना, अभी मुझे चाहिए एक्चुअली फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, बट अपेरेंटली आई जस्ट हैव पता नहीं क्या निकाल के रखा है. चलो देखते हैं, हाउ डू वी गेट टू फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, समझते जाना. अभी ए और ए डैश, लिसन टू दिस, ए ए डैश वॉज टू ए एंड सी वॉज द मिड पॉइंट. तो डू यू अंडरस्टैंड, सी ए इक्वल्स टू सी ए डैश इक्वल्स टू स्मॉल ए. अगर ए ए डैश टू ए था और सी मिड पॉइंट है, तो सी ए और सी ए डैश स्मॉल ए हो जाएगा. सुनते जाओ, कंस्ट्रक्शन एक बार अच्छे से याद हो गया ना, तो यू कैन एनी टाइम रिमेम्बर इसकी जो भी प्रॉपर्टीज लिखने वाला हूँ, सब एक साथ याद हो जाएंगी एक साथ. तो इसलिए पेशेंटली सुनते जाओ. अभी फोकस निकालना है और डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, तभी मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ. तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, लुक एट दिस, वन एंड टू. तो सबसे पहले मैं वन प्लस टू करता हूँ, लुक एट दिस, मैं फर्स्ट प्लस सेकेंड इक्वेशन करता हूँ और एक जगह सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन करता हूँ. आई हैव टू गेट टू फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स. तो देखो, फर्स्ट प्लस सेकेंड मतलब क्या हो जाएगा, ए एस प्लस ए डैश एस इज ई टाइम्स ए जेड प्लस ए डैश जेड. और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए डैश एस माइनस ए एस इज ई टाइम्स ए डैश जेड माइनस ए जेड. ऑलराइट, तो लुक एट दिस, ए एस प्लस ए डैश एस, लुक एट दिस, ए एस प्लस ए डैश एस. तो ये ए एस है और ये ए डैश एस है. अरे ये तो टू ए हो गया. ओके नाइस, ये टू ए हो चुका है. Now let's talk about AZ. So can I write AZ distance? ये जो AZ दिख रहा है, AZ को can I write it as CZ minus CA? CZ minus CA. हाँ लिख सकते हैं, कोई problem नहीं है. And look at A dash Z. A dash Z. तो A dash Z को क्या लिख सकता हूँ? A dash C plus CZ. I hope this is okay. And अपन ने अपना assumption ऐसा लिया था कि CA और CA dash equal थे, since C was the midpoint. तो CA and CA dash were equal, तो ये cancel हो गया. तो यहां से क्या मिल रहा है बच्चों, look at this, CZ, 2CZ is 2A by E. तो do you understand CZ का value आ रहा है A by E, is this okay? Yes sir. तो CZ नहीं समझा. हाँ देख एक सेकेंड वापिस से, ये समझा था कि AZ, AZ can be written as CZ minus CA, बोलो. Yes sir. And A dash Z, look at A dash Z, A dash ये रहा. तो A dash Z को लिख सकता हूँ A dash C plus CZ. Yes sir. तो ये देख यहाँ पे लिखा हुआ ये ऐसा. अब A dash C और AC were equal. A dash C and AC were equal because C को मैंने. Yes sir. तो A dash C और AC cancel हो गए. तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? CZ CZ मतलब 2CZ is 2A upon. Okay sir. तो CZ A. Okay, just imagine. Since CZ distance आ गया, तो Z का coordinate मिल गया ना, A by E, comma 0, Z is apparently on x-axis. और ये vertical line है, तो directrix की equation क्या मिल गई बच्चों? X equals to constant. Is this okay? Is this okay? Yes, sir. CZ मिल गया, इसका मतलब है directrix equation has come out to be X equals to this constant, X equals to A by E. Now let's talk about this second part. तो second part क्या है? Second part is apparently ऐसा कुछ बोल रहा है. A dash S minus A S equals to right side. तो पहले ये देखो,
ए डैश जेड यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, उसमें से ए जेड हटाना है, तो ए डैश जेड ये रहा और उसमें से ए जेड हटाना है, कितना बच रहा है, साफ साफ दिख रहा है, टू ए, वेरी गुड, टू ए, थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ेगा, ए डैश एस को देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ए डैश एस को, ए डैश एस, ए डैश एस व्हेन बी रिटन एस, ए डैश सी प्लस सी एस, है ना, एंड ए एस, इतना सा डिस्टेंस, ए एस को मैं लिख रहा हूँ सी ए माइनस सी एस, देखो जरा, आई होप दिस इज ओके, सी ए माइनस सी एस, तो फिर से देखो ए डैश सी और ए सी कैंसिल हो रहे हैं फिर से, और सी एस प्लस सी एस, तो टू सी एस, तो सी एस इज कमिंग आउट टू बी ए ई, इज दिस ओके, बच्चों, तो एस का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, सी एस डिस्टेंस अगर ए ई आ गया, तो दैट इंप्लाइज एस का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ए कॉमा जीरो, तो मुझे फोकस मिल गया और मुझे डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, और फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, तो अब मैं एक सेकंड में इक्वेशन निकाल सकता हूं, तो अभी मैं आपको लिखने के लिए अच्छा सा टाइम दूंगा, बट मैं इतना पोर्शन थोड़ा सा चंक ऑफ पोर्शन थोड़ा सा कवर कर ही देता हूं, उसके बाद आप आराम से पढ़ पढ़ के वापस से देख सकते हो, तो ये देखो, नाउ दैट आई हैव फोकस एंड आई हैव डायरेक्ट्रिक्स, लेट पी बी लोकस ऑफ एलिप्स, सॉरी पी एक्स कॉमा वाई बी द लोकस ऑफ एलिप्स, एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है तो बेसिकली लोकस निकालना है, P x comma y, so there is some point P x comma y, all right, कहीं तो P ऐसा होगा P x comma y, तो P का distance from focus upon P का distance from directrix must be eccentricity, ये follow करेगा वो, P s upon P m is e, so basically P s square is e square P m square, all right, square करेंगे तो अच्छा लगेगा equation, root में नहीं चाहिए अपन को, तो P x comma y है, focus is a e comma zero. तो पी ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स कॉमा वाई का ए कॉमा जीरो से डिस्टेंस, ऑलराइट, ई स्क्वायर एज इट इज, व्हाट इज पीएम स्क्वायर, पीएम स्क्वायर मतलब लिटरली क्या हो जाएगा, पी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, ये डिस्टेंस, तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है, देखो ये कितना बन रहा है, यू कैन अप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला, या फिर साफ साफ दिख रहा है ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल ए बाई ई है और ये छोटा सा एक्स है, तो कैन यू सी ए बाई ई माइनस एक्स, a by e minus x is perpendicular distance of point P from the line. So a by e minus x. और square है तो x minus a by e भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, it's all the same. बस इसी चीज को अपन को थोड़ा सा simplify करना है. तो मैं ये थोड़ा सा chunk इतना cover कर लेता हूँ. उसके बाद आप पूरा अच्छे से copy कर लेना. And I will be sharing anyway the PDF with you. So don't mind. Like कुछ miss out नहीं होगा. Minus two a sorry minus two. सर note करने का time तो गया. फुल पूरा, बट मैं कवर कर ही देता हूँ कि आप फिर आराम से देख देख के पूरा समझ पाओ खुद से भी, तो देखो ये सिंपलीफाई कर देता हूँ मैं, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो रही है, देख लो एक बार, 2AEX, 2AEX, तो बचा हुआ क्या बच रहा है, ये e square, x square plus a square, तो इसी चीज को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो इसको इस साइड लिया, तो एक्स स्क्वायर के साथ वन माइनस ई स्क्वायर आ रहा है, वाई स्क्वायर इज एज इट इज, और ए स्क्वायर ऐसा बन रहा है बच्चों, देखो रीअरेंज कर रहा हूँ, कैलकुलेशन पे इतना ज्यादा ध्यान मत दो, बस आई एम जस्ट रीअरेंजिंग, उसके बाद राइट साइड को डिवाइड करो, तो दिस इज व्हाट योर इक्वेशन इज कमिंग आउट टू बी, ऐसा कुछ इक्वेशन बन रहा है बच्चों, लुक एट दिस, ओके, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज 1, नाउ जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू नो राइटिंग पर्पस, मतलब अच्छा दिखे, तो अपन एक काम करते हैं, इस वाले टर्म को नोटिस करो, इफ यू नोटिस दिस टर्म, ए स्क्वायर इज अ पॉजिटिव वैल्यू एंड अपेरेंटली ई स्क्वायर इज लेस देन 1, क्योंकि अपन इलिप्स की बात कर रहे हैं, तो ई लेस देन 1 है तो ई स्क्वायर भी लेस देन 1 है, तो दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू, इस पॉजिटिव वैल्यू को अपन क्या डिनोट कर देते हैं, बी स्क्वायर, लेट इट बी सम बी स्क्वायर, ज्यादा अच्छा दिखता है, सो बेसिकली अपना इलिप्स क्या बन गया बच्चों, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दिस इज योर इलिप्स, whereas b square is actually this, eccentricity का term ये रहा, और eccentricity क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां से उल्टा लिख सकते हैं ऐसा, 1 minus b square by a square, this is your standard ellipse, this is the simplest possible equation that there can be, इससे ज्यादा simple ellipse नहीं होगा, all right, ये simplest ellipse है, तो अपन ने simplest possible ellipse derive करा है, और अपन ने अच्छे से derive करा है,
तो इसमें आप जो भी चीजें लिखने वाला हूँ, टर्मिनोलॉजी और जो भी डायग्राम बनाने वाला हूँ, सब सिंपल सिंपल सा अभी के अभी याद हो जाएगा, ठीक है? तो देखो मैं थोड़ा सा बना देता हूँ डायग्राम, और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप ऐसे कुछ भी आर्ग्यू करना है रिलेटेड टू दिस, कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, बिल्कुल कर सकते हैं। एक डाउट है छोटा सा। एक डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद डेफिनेटली गो अहेड एनास तुम्हारा। अच्छा, मैं... हाँ बोलो। अच्छा बोलो बोलो सर, हम नोट डाउन कर सकते हैं क्या अभी की टाइम दोगे अभी? पूरा पूरा बस ये एक डायग्राम और बना देता हूँ कि तुम्हारा कर्वेचर बच्चों ऐसा दिखता है, शेप जो कोनिक बनने वाला है, दिस काइंड ऑफ लुक्स लाइक दिस, ऐसा ऐसा शेप बनेगा, ठीक है? ये सारे पॉइंट्स कैसे हैं, सच दैट दिस अपॉन दिस इज ऑलवेज ई। तो अगर हाफ दिया हुआ है तो ऐसा कुछ शेप बनेगा, 1/3 दिया हुआ तो सिमिलर लुकिंग शेप बनेगा, थोड़ा सा पिचका हुआ और ऐसा वैसा, थोड़े से चेंजेस आएंगे कर्वेचर में, बट सबके सब ऐसे इलेप्टिकल और ओवल शेप्ड दिखेंगे। दिस इज व्हाट योर इक्वेशन x² / a² + y² / b² = 1 विल लुक लाइक। यस आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग आल्सो, ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग में रख के क्या करूंगा। तो अभी मैंने इतना समझाया है, तो मैं आई विल गिव यू सम टाइम टू कॉपी दिस, एंड कुछ अगर डाउट हो रिलेटेड टू दिस तो पूछो। तो यहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करो, यहां से कॉपी करना स्टार्ट करो। सर आपने जो पॉइंट्स ए और ए डैश चूज किए सर, वो जस्ट एक अजम्पशन है ना, राइट, कि इस एलिप्स को हेल्प कर रहा है बनाने में, नहीं तो एक्चुअली हां, गुड क्वेश्चन। देख कैसे, ए और ए डैश आर दोस पॉइंट्स जिसके इधर या उधर एलिप्स नहीं जा सकता। जैसे देख, इसेंट्रिसिटी वाज बेसिकली लेट्स से हाफ, तो मैंने क्या किया, दिस अपॉन दिस इज हाफ, है ना? तो बेसिकली मेरा एलिप्स ए से पास होगा, क्योंकि ए इज अ पॉइंट व्हिच इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन की distance from focus upon distance from directrix is half, and similarly a dash se bhi ellipse pass hoga kyunki a dash ka distance from focus upon distance from directrix apparently half hai. But can you imagine a point on the right side of a, aisa right side mein ek ek aisa point leta hu, can you imagine a point such that ye upon ye half ho jaye, aisa point exist karega kya, distance from focus upon distance from directrix half ho jaye? Obviously नहीं, क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ गया है और ये डिस्टेंस छोटा हो गया, तो रेशियो हाफ से तो बड़ा हो ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, योर कर्व विल नॉट लाई ऑन द राइट साइड ऑफ ए, ए के लेफ्ट साइड में रहेगा तुम्हारा कर्व। एंड यू कैन ऑल्सो क्लेम दिस थिंग कि ए डैश के लेफ्ट में ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है क्या, सच दैट दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस हाफ बन जाए, बिल्कुल भी नहीं। तो ए डैश और ए वो ऐसे लिमिटिंग पॉइंट है कि एक तरीके से इनके बीच में ही कर्व लाई करेगा, तो ए और ए डैश का अच्छा सिग्निफिकेंस है ऑफकोर्स। So the entire curve lies in the interval a and a dash. So वो मैंने ऐसे बना दिया कि ऐसा दिखेगा। So it's a closed loop. It's not an open infinite curve. जैसे parabola, hyperbola ये सब open infinite curve होते हैं। ये खाली a और a dash के बीच में lie करता है। तो सर, हाँ? सर ये जो directrix है वो सर x axis के negative side में आना चाहिए and focus positive में था ना सर? जस्ट वेट फॉर इट, मैं ये क्लियर कर देता हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तुम पैराबोला के साथ लेके चल रहे हो इसको, है ना? पैराबोला में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, वेट करते जाओ, एक्चुअली तुम्हें जो तुम ढूंढ रहे हो ना वो भी मिल जाएगा, जस्ट वेट फॉर इट। एलिप्स के एक से ज्यादा डायरेक्ट्रिक्स हो सकते हैं? यस डेफिनेटली। मैं वो बता रहा हूँ, पहले कॉपी कर लो इसको, आई विल गेट टू दैट। तो मेरे को बेसिक सा डाउट था कि सर a dash z जो डिस्टेंस है इट इज ग्रेटर देन a dash s ना, तो इट शुड बी 1:3 ना, नॉट e:1 डिस्टेंस। नो नो, आई टुक a dash s अपॉन a dash z, a dash s अपॉन a dash z इज e, और e लेट्स से लेस देन 1 है ना, तो इट्स फाइन, a dash s लेस देन a dash z है ना, तो सही तो है। और सर आपने ये a dash का डिस्टेंस 2a कैसे अस्यूम किया? देख, You understood this ki A and A dash are fixed points, right? Yes, sir. तो उनके बीच में कुछ तो distance होगा ना? हाँ, sir. तो वो distance को मुझे कुछ assign तो करना पड़ेगा ना कि ये X होगा या Y होगा या Z होगा? हाँ, sir. तो मैंने इसको 2A बोल दिया. Okay, okay, sir. Got it. Sir, can you explain how did you get PS square and PM square again? ये वो है यार, ये तो definition of ellipse है. जैसे कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन क्या होता था, डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन मस्ट बी कांस्टेंट, है ना रेशियो? यस सर, इन दैट लास्ट इक्वेशन लेट p इज इक्वल टू xy बी लोकस ऑफ एलिप्स दैट x माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू ps स्क्वायर दैट वन। हां, तो देखना, अगर लोकस निकालना है तो
ये वाली डेफिनेशन फॉलो कर रहा हूँ मैं. एक सेकंड मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, बट जस्ट किसी का छूट ना जाए इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ. तो पी ए स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया ना. यस सर. डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो नीचे आ जाएगा. मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है. आई होप थोड़ा सा कॉपी हो गया हूँ. डायग्राम वापस से अब मैं कॉपी करने के लिए दूंगा, क्योंकि डायग्राम में अभी मुझे बहुत कंस्ट्रक्शन करना है. थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, ठीक है. डायग्राम अभी बहुत और कंस्ट्रक्शन करना है उसमें. आरव में जस्ट ऐसे इक्वल्स टू आप ऐसे ले रहा था. ई कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन जीरो टू वन. ई कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन जीरो टू वन. मैं तो ऐसे बोलता था कि अगर हाफ होता तो क्या होता है, ऐसा टाइप का. ई इज नॉट हाफ राइट नाउ. ई कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन जीरो टू वन. सी इज द सेंटर. हाँ अंश, वेट फॉर इट. मैं थोड़ा सा अभी इसका टर्मिनोलॉजी सिखाऊंगा कि किस चीज को क्या बोलते हैं. एवरीथिंग यू विल लर्न. सर आई एम कंफ्यूज हाउ यू गॉट ए एस इक्वल्स टू ई ए जेड एंड ई डैश एस इक्वल्स टू ई ए डैश. आई स्टार्टेड विद दैट. या या दैट इक्वेशन वाज. देख अपन ने क्या लिया था, एस और जेड इनिशियली अपन को गिवन थे, है ना. यस सर. फिर मैंने बोला और ई भी गिवन अपेरेंटली. यस सर. फोकस डायरेक्ट्रिक्स एंड इसेंट्रिसिटी गिवन है. तो मैंने क्या बोला, ए डिवाइड्स एस एंड जेड इन द रेशियो ई टू वन. And मतलब e is to one मतलब a s upon a z is e, है ना. a s upon a z is e. okay, okay. समझ गया सर. समझ. Thank you. Sorry dash. Sir, s पहले से बोला हुआ था कि focus है. देख अच्छा, अगर ellipse को define करना है तो information क्या-क्या होनी चाहिए अपने पास. Sir, eccentricity, fixed point और fixed line. हाँ, तो वो fixed point is focus. उसी को तो अच्छा, focus. Okay sir. तो स्टैंडर्ड है कि फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस. ओके सर, थैंक यू सर. सर कैन यू स्क्रॉल डाउन. या या कॉपी करते जाओ और डायग्राम आराम से बनाना. डायग्राम में अभी मुझे बहुत छेड़खानी करनी है. आई हैव टू इंप्रूव अपॉन डायग्राम अ लॉट, क्योंकि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी डायग्राम में ही बना लेंगे अपन. तो इसको देखते जाओ सर. तो अभी नहीं बना रहे डायग्राम, बाद में बनाए. हां हां, मतलब अभी और उस पे बनाते जाऊंगा मैं. ओके ओके. तो बच्चों इलिप्स थोड़ा सा एज कम्पेयर टू सर्कल और स्ट्रेट लाइन, इलिप्स के मैंने देखा है कि ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जेई में. मतलब इट्स लाइक स्ट्रेट लाइन सर्कल पे आजकल पूछते नहीं है, पैराबोला इलिप्स और हाइपरबोला पे ही मेनली पूछते हैं. तो इसको अच्छे से करना, मतलब प्रेफरेबल रहेगा कि वी कैन डू इट लेट्स से अप टू एक्सरसाइज 3. 2B 2C तक तो यूजली यू शुड डू ओनली, बट अगर एक्सरसाइज 3 के कुछ सिलेक्टेड सम्स अगर अपन कर लें तो अच्छी बात है. इसका बहुत अच्छा एक्सरसाइज है. आपने इनफैक्ट पैराबोला का भी करा होगा. पैराबोला आल्सो यू मस्ट हैव सीन कि पैराबोला का एक्सरसाइज 3 भी काफी अच्छा था. इनफैक्ट 2A 2B भी बहुत अच्छे थे. पर हां सर, तो इक्वेशन निकालने के लिए हमें a और a' का वैल्यू भी दिया जाएगा. नहीं सर, तो स्मॉल a का वैल्यू किधर. स्मॉल a तो वैसे पॉइंट है, तो उसका कोऑर्डिनेट वैसे अपन को मिल चुका है. देखना, कैन यू सी दैट अपन ने CA वाज a, CA डिस्टेंस a था ना स्मॉल a, तो इसका कोऑर्डिनेट अपन को मिल चुका है 1, 0. सर नहीं समझ. अच्छा ये समझा था कि a a डैश वाज 2a डिस्टेंस एंड c वाज 0 0. अजम्पशन लिया था. तो c अगर मिड पॉइंट है तो a डैश c और ac दोनों स्मॉल a हो जाएंगे, है ना. हाँ सर. और अगर ca अगर स्मॉल a है तो कैपिटल a का कोऑर्डिनेट क्या होगा. कैपिटल a इज अपेरेंटली ऑन x एक्सिस, तो a और a डैश क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस 1, 0, है ना. हाँ सर. तो वो मैं लिखवाने वाला हूँ, वेट फॉर इट. अभी आई डिडंट से कि आई एम डन एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग. अभी तो पूरा डायग्राम में मैं लिखूंगा एक एक चीजें, सारे टर्मिनोलॉजी सारे नोटेशन सब लिखता जाऊंगा, ठीक है. डोंट वरी, अभी सब याद हो जाएगा. डोंट वरी, सब रटा दूंगा मैं. थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ, कॉपी करते जाओ जल्दी से. हाँ तो ये चैप्टर में भी स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए हम लोग सब डिराइव करेंगे क्या. Yes, we are going to derive our standard ellipse and we are going to use standard ellipse to apply for other ellipse, no? Calculate any other ellipse, yes. Just like parabola. Parabola mein kiya tha, no? Just like that. In fact, you will see the entire ellipse topic is exactly same as parabola. Just isme thoda sa equation mein changes aa jayega, but concept and flow is exactly same. So, agar parabola strong hai, to ellipse bhi strong ho jayega. Bas ek ellipse mein calculation zyada hoti hai. You will see why. Shortly. Calculation थोड़ी सी irritating होती है ellipse की.
चलो थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ ये, और अगर जस्ट इन केस किसी का कुछ मिस भी हो जाए तो डोंट वरी, मैं पीडीएफ एनीवे शेयर कर दूंगा, शेयर में एंटायर नोट्स ये जो भी लिखा हुआ ना वो शेयर कर दूंगा, ऐसे चिंता मत करना कि सर एक लाइन मिस हो गया। एक और पॉइंट यहीं पे बता देता हूं, लुकिंग एट दिस, ये वाला जो अपना डिराइव हुआ है इसमें कौन बड़ा है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है, विच इज ग्रेटर? ए। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ एंड इट हैज अ वेरी लार्ज सिग्निफिकेंस, ए ग्रेटर देन बी यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे वाला कोफिशिएंट अभी ग्रेटर है, एक्स स्क्वायर के नीचे वाला टर्म फिलहाल ग्रेटर है, तो इसका काफी सिग्निफिकेंस है ये मैं समझाऊंगा। But this is our standard ellipse. The simplest possible equation that we can derive is standard ellipse is this. ठीक है? अगर इतना कॉपी हो गया तो मैं थोड़ा सा और ऊपर जाता हूँ डायग्राम में, मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, मतलब कुछ स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ओके 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 तो someone pointed it out, ये देखो कितना सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, इनफैक्ट तुम लोग इसी इक्वेशन को देख के बोल सकते हो, लुक एट द इक्वेशन x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, कैन आई से दिस इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस, दिस वट एवर दिस इक्वेशन एंड वट एवर दिस कर्व इज, इट इज सिमेट्रिक अबाउट x एंड y एक्सिस, क्यों? x की जगह माइनस x पुट करो, कोई चेंज आएगा इक्वेशन में? No, sir. X की जगह माइनस एक्स रखो, y की जगह माइनस वाई रखो, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो x की जगह माइनस एक्स रखने से नो चेंज मतलब सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, एंड y की जगह माइनस वाई रखने से नो चेंज मतलब सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। तो एज यू कैन सी द डायग्राम ऑल्सो, देखो थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ डायग्राम, देखो दिख रहा है क्या y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है राइट और लेफ्ट में? हाँ दिख रहा है। x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बन रहा है? हाँ दिख रहा है ऐसा। तो दिस इज द डायग्राम, ऐसा दिखेगा सिमेट्रिक अबाउट बोथ x एंड y एक्सिस। बट पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, ये देखो टू फोसाई एंड टू डायरेक्ट्रिक्सेस, ऑन व्हाट बेसिस आर वी सेइंग दिस? ये देखो, इफ दिस वाज माय फोकस एंड एक्स प्लस ए बाय इक्वल्स टू जीरो वाज माय डायरेक्ट्रिक्स, ध्यान से देखते जाओ, ऐसे ही जस्ट अपन रैंडमली हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, वैसे आपको समझ आ जाना चाहिए जस्ट आउट ऑफ प्योर सिमेट्री यू कैन से, कि अगर ये फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स है तो इधर भी तो क्लेम कर सकते हैं बिकॉज इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस। बट मैं एनीवे देता हूं कि अगर मैं एक रैंडमली एक ऐसा पॉइंट लेता हूं, चलो लेट्स कॉल दिस एस डैश माइनस ए कॉमा जीरो, ठीक है, एक ऐसे पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे, चलो इस पॉइंट को और एक और लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे, और इस लाइन को मैं डायरेक्ट्रिक्स क्लेम कर देता हूँ। नहीं ये थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें, इस लाइन को मैं डायरेक्ट्रिक्स लेता, अगर If I had taken this line as directrix and this point as focus, तो मेरा locus क्या आता है? देखो, what would have been the locus? Simple. तो मैं क्या लगाता? अगर ये point focus है और ये line directrix है, तो मैं वापस से अपना locus निकालता ना, क्या लगाता बताओ? डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन मस्ट बी इसेंट्रिसिटी। तो मैं ये अप्लाई करता ना, पी एस डैश का स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम डैश का स्क्वायर, राइट? आई वुड हैव डन दिस ओनली सेम थिंग, कि इसको फिक्स पॉइंट और इसको फिक्स लाइन मानता, तो दिस स्क्वायर इज ई स्क्वायर दिस स्क्वायर, ऑलराइट? तो क्या बन रहा है देखो बच्चों, सिंपल सा, इस बार माइनस ए कॉमा जीरो से डिस्टेंस निकालना है एक्स कॉमा वाई का, तो लोकस ये बन जाता ना, लोकस ऑफ p x comma y, देखते जाओ कुछ डाउट हो तो पूछ लो। p square is e square, pm dash क्या बन जाता बच्चों? pm dash, ये x comma y है, तो ये छोटा सा डिस्टेंस x है और ये पूरा डिस्टेंस a by e है, तो x plus a by e is the perpendicular distance from the line, तो देखो दिख रहा है, if you open this x square plus 2ae x plus a square e square plus y square is e square into x square plus 2a
by ex plus a square by e square. कितने बच्चों को दिख रहा है? Once you cancel these two terms, everything else, ये ध्यान से देखो, everything is else is same or not. मतलब yes sir. यही का यही बच रहा है. ये step देखो, x square, a square, e square, y square, और right side में भी वही बच रहा है. तो इसको रीअरेंज करूंगा तो ऑब्वियसली बात है, वी आर गोइंग टू गेट द एग्जैक्ट सेम इक्वेशन. एकदम सेम इक्वेशन आने वाली है बच्चों. अगर एकदम सेम इक्वेशन आने वाली है, मतलब सेम रीअरेंजमेंट है, तो वापस से कैलकुलेशन का पॉइंट नहीं है. अगर एग्जैक्ट सेम इक्वेशन आई है तो इससे कंक्लूजन क्या निकला बच्चों? सेम आई एंडेड अप गेटिंग द सेम इलिप्स. आई एंडेड अप गेटिंग द सेम इलिप्स. तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, सोच के बताओ. मैंने एक इलिप्स के दो फोकस रहते हैं, दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिक्स. इफ दिस पॉइंट वाज माय फोकस, दिस पॉइंट वाज माय डायरेक्ट्रिक्स, आई वुड गेट दिस इलिप्स. बट इफ आई टुक दिस पॉइंट एज फोकस एंड दिस पॉइंट एज डायरेक्ट्रिक्स, आई वुड गेट द सेम इलिप्स. तो तुम लिटरली ये कभी क्लेम कर पाओगे कि नहीं नहीं हमारा तो यही फोकस था? नो, यू कुड हैव इजीली टेकन दिस एज माय पॉइंट एंड दिस एज माय डायरेक्ट्रिक्स एंड एंडेड अप गेटिंग द सेम इलिप्स. सर आई डिड नॉट गेट दिस एग्जैक्टली, कुड यू एक्सप्लेन अगेन? व्हिच पार्ट? The last one, the one you were saying, same ellipse, focus, same point. A comma zero and this line directrix लेके मुझे ये equation मिला, ये वाला curve मिला, ठीक है? But अगर मैंने minus A comma zero और ये वाली line ली थी, x plus A by equals to zero, अगर ये line और ये point लेके मैंने ellipse derive करा, I ended up getting the same equation. You understood this? ये देख, ये वाला part. मैंने माइनस ए कॉमा जीरो और ये वाला लाइन, लेफ्ट साइड वाला लाइन लेके मैंने इलिप्स का लोकस निकाला, सेम इक्वेशन आ गई. तो इसका मतलब क्या निकला? आई एंडेड अप गेटिंग द सेम इक्वेशन. तो इफ आई टेकन दिस पॉइंट एज माय फोकस एंड दिस लाइन एज माय डायरेक्ट्रिक्स, और इफ आई टेकन दिस पॉइंट एज फोकस दिस पॉइंट एज डायरेक्ट्रिक्स, आई वुड गेट द सेम इलिप्स. सेम ही बात है, सेम ही इक्वेशन आ रही है. तो इसका मतलब क्या हो गया? कौन सा फोकस है यार, ये भी बोल सकता हूँ, ये भी बोल सकता हूँ. कौन सा डायरेक्ट्रिक्स है यार, ये भी बोल सकता हूँ, ये भी बोल सकता हूँ. Yes sir, got it. तो directrix हो गया, right? Yes sir, equal possibilities. Yes, exactly. तो we consider both. There is actually no thing कि F को ही focus लेना, ऐसा कुछ नहीं. दोनों focus हैं. But अगर S को focus बोल रहे हो, if you are considering this focus, then directrix कौन सा line होगा? Only this. E by. हाँ, हाँ. मतलब मैं ऐसे लिख देता हूँ. मैंने अच्छा, मैं zoom out नहीं किया यार. Anyway, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, नहीं नीचे लिख देता हूँ, इसके साथ ही कॉपी कर लेना. फोकस वर्क्स विथ करेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, ये पहले लिख देता हूँ. एंड लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट ऑल्सो. फोकस वर्क्स विथ करेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज इफ यू आर कंसिडरिंग एज टू बी द फोकस, that implies x equals to a by e is the only directrix. ये बात समझते हो? मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये focus है, ये focus है, तो ये directrix है. ये क्या है? इस focus के लिए ये line क्या है? Just a line. You will not call this focus and this directrix. क्यों? क्योंकि अगर इसको focus मानूं, if I take this as focus and this as directrix, ellipse कुछ और ही बनेगा, right? तो करेस्पॉन्डिंग वाला फैक्टर भी है कि एस के लिए ये डायरेक्ट्रिक्स होगा और एस डैश के लिए ये डायरेक्ट्रिक्स होगा. माना दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिक्स हैं, बट उसको मिंगल अप मत कर देना, डोंट मिक्स देम. ओके, तो एस का डायरेक्ट्रिक्स इज राइट साइड वाला, एस डैश का डायरेक्ट्रिक्स इज लेफ्ट साइड वाला. ओके, तो ये जैसे दिमाग में डाल के रखो. और एस डैश फोकस है, दैट इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू माइनस ए बाई, जो लेफ्ट वाला है वही डायरेक्ट्रिक्स कंसिडर करोगे. तो आई होप यू आर क्रिस्टल क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट कि इसके दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे. सब चीज को एकदम रटना नहीं है, ये बस दिमाग में डालते जाओ. कंस्ट्रक्शन इज लाइक अबाउट रिमेम्बरिंग थोड़ा थोड़ा थोड़ा, फिर इसके बाद अपन सब चीजों को एक साथ रट लेंगे. लास्ट पेज दिखाओ ना वो सब. एक सेकंड, अच्छा ठीक है, कॉपी कर ले, काम करो इसको. दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिक्स वाला पॉइंट कॉपी कर ले, फिर अपन इसका सारा टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं. और देखना अभी क्या, अभी तुम्हें सारी चीजें रटा जाएंगी. सर अभी डायग्राम नहीं ड्रॉ करना ना? अभी मैं ऊपर डायग्राम में जाके उसको थोड़ा सा नेमिंग वगैरह देना है उसको. सर करेस्पोंडिंग मतलब बेसिकली जो उसके साइड में ना पॉजिटिव फोकस तो पॉजिटिव बराबर ना सर. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. अगर पॉजिटिव वाला फोकस ले रहे हो एस, एक सेकंड,
थोड़ा सा नेट फ्लक्चुएट हो रहा है, अभी आवाज आ रहा है? हेलो, अरे एक्चुअली थोड़ा सा इंटरनेट फ्लक्चुएट होता है, I'm sorry for that. वो होगा यार, I can't help it. तो I was saying कि सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर इसको फोकस बोला है तो ये डायरेक्ट्रिक्स लोगे, बट इसको फोकस ले रहे हो तो इसको डायरेक्ट्रिक्स लोगे. जैसे काफी प्रॉपर्टीज आएंगी ना, जैसे तुमने पैराबोला में बहुत प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स रिलेटेड प्रॉपर्टीज. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये फोकस है तो ये वाला डायरेक्ट्रिक्स लेके प्रॉपर्टी बनेगा, बट ये फोकस है तो ये वाला डायरेक्ट्रिक्स लेके प्रॉपर्टी बनेगा. यू मस्ट हैव सीन लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंस 98 फोकस. तो इसमें दो फोकस दो डायरेक्ट्रिक्स है तो वी हैव टू बी केयरफुल कि कौन सा फोकस कौन सा डायरेक्ट्रिक्स ऐसा. तो ये पॉइंट कॉपी करो, अब मैं उसका सारा नेमिंग कर देता हूँ. चलो तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर रहा हूँ. अब नो वी शुड पे अटेंशन टू डायग्राम. अब डायग्राम थोड़ा सा अच्छा ओके ओके. सो वन मिनट. सर मैं तो पूछ रहा था कि हम लोग फोकस को ऐसा वाई एक्सिस पे नहीं ले सकते, मतलब जीरो कॉमा ए और फिर डायरेक्ट्रिक्स को वाई इक्वल टू ए बाय ए. डेफिनेटली ले सकते हैं, बट अभी वो इसके बात कर रहा हूँ. पहले एक चीज को अपन 100% मास्टरी कर लेंगे ना तो बाकी सब एकदम इजी लगेंगे, एकदम इजी. इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में जा रहा हूँ ये बताऊँ. ओके तो अब ये ध्यान से देखो, डायग्राम पे ध्यान देते हैं कि किस चीज को क्या बोलते हैं, फलाना फलाना फलाना. तो जैसे पैराबोला जैसे ही इसके काफी सारे नोटेशन है और थोड़े से एक्स्ट्रा भी है, तो अब इसको ध्यान देना. काफी नोटेशन पैराबोला जैसे ही है. ओके चलो तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, देखो ये तो आपको पता ही है कि ए और ए डैश को क्या बोलेंगे, ए और ए डैश, ए और ए डैश. जैसे ये वाला पॉइंट होता था ना पैराबोला में क्या बोलते थे, वर्टिसेस, वर्टेक्स. तो ए और ए डैश को क्या बोलते, वर्टेक्स. ओके वैसे ये भी बना ही देता हूँ मैं, अच्छा हो जाएगा. तो सबसे पहला नोट आऊं तो बेसिकली ये जो एलिप्स है, x square by a square plus y square by b square equals 1, इसकी सारी प्रॉपर्टीज याद हो गई अपन को एक साथ. प्रॉपर्टीज मतलब किस चीज को क्या बोलते हैं. तो s and s dash, सॉरी इनफैक्ट द टू फोसाई आर s एंड s dash, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बच्चों, प्लस माइनस ae कॉमा जीरो, ae कॉमा जीरो और माइनस ae कॉमा जीरो. वो कौन सी लाइंस हैं, x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई, तो ये अपन को रटा गया है. ठीक है, x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई और s और s डैश फोकस हैं. उसके बाद तीसरा नोटेशन क्या आ गया, वर्टेक्स. तो वर्टेक्स क्या हो गया, a एंड a डैश, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, प्लस माइनस a कॉमा जीरो. a और a डैश को बोलते हैं वर्टेक्स और इसके कोऑर्डिनेट हैं प्लस माइनस a कॉमा जीरो. दिस डिस्टेंस वॉज a तो a कॉमा जीरो, दिस डिस्टेंस वॉज a तो ये माइनस a कॉमा जीरो. ओके सी जो पॉइंट है, सी पॉइंट को क्या बोला जाता है, यू कैन डू द गेस आल्सो बट एनीवे अपन डिराइव भी कर सकते हैं. अगर डिराइव सी इज सेंटर एंड उसका कोऑर्डिनेट इज 0, 0. वैसे सेंटर क्यों बोल रहे हो आप, मतलब ऐसे आपको यू शुड क्वेश्चन दिस कि हाउ डू यू नो इट्स अ सेंटर, सेंटर की डेफिनेशन क्या थी बताओ बच्चों, हाउ डू यू डिफाइन अ सेंटर. सर वर्टेक्स सर लाइन जॉइनिंग mid points of parallel, sir, mid point of intersection na, sorry the point of intersection of all parameters. Symmetry wala definition,
मेथड बताओ, मेथड फॉर फाइंडिंग सेंटर. सो वी कैन ड्रॉ पैरेलल लाइन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ऑफ सेंटर ऑफ पैरेलल लाइन. पार्शियल डिफरेंशिएशन, वेरी गुड, वेरी गुड. तो अगर अपन इसको एस मानते हैं, अपना जो इक्वेशन आया है 2 डिग्री कर्व जो आया है इसको एस मानते हैं, तो याद आ रहा है ये दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट इज सेंटर, अगर आपको याद हो तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो खाली इतना बचेगा, है ना, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या दिख रहा है, 0.0, सिंपल. यस सर, दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग सेंटर, पार्शियली डिफरेंशिएट एंड उनका इंटरसेक्शन पॉइंट. तो 0.0 आ रहा है तो सेंटर सी 0.0 हो गया, सिंपल. सो मैंने समझा, बट नो नीड टू राइट दिस एज लॉन्ग एज. यार ये आपको याद नहीं है कि सेंटर निकालने का मेथड क्या होता था, सॉल्व दीज टू लाइंस, रिमेंबर दैट, डो एस बाय डो एस इक्वल्स टू 0, डो एस बाय डो इक्वल्स, बस सिंपल. तो ये वाला निकालूंगा मैं, अगर मेरा कर्व सिंपल ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस वन, तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो पहला टर्म ये, सेकंड एंड थर्ड टर्म जीरो हो जाएंगे, पार्शियल डेरिवेटिव है ना, तो वाई और वन जीरो हो जाएंगे. तो ये और डो एस बाय डो वाई क्या बनेगा, ये. तो बेसिकली आ रहा है ना, ओके सर. उसके बाद देखो अब नाइन अभी कई कई लोग पता नहीं क्यों, बट ऐसा कोई नोटेशन नहीं है. ये देखो, दिस कर्व इज इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस आल्सो, तो वाई एक्सिस को मैं बोल देता हूं चलो बी और बी डैश पे मीट कर रहे हैं, ठीक है, बी और बी डैश पे मीट कर रहे हैं. बी और बी डैश को वर्टाइसेस नहीं बोलते हैं, बी और बी डैश को वर्टाइसेस नहीं बोलते हैं. अच्छा, मेरा नेट अगर फ्लक्चुएट हो रहा है तो मेरा वॉइस ब्रेक होगा, I'll repeat everything, don't worry. अगर कुछ ऐसा हो रहा था मैं रिपीट कर दूंगा. अब वो पता नहीं, नेट फ्लक्चुएट होता है कभी कभी यार, आज कुछ ज्यादा ही हो रहा है शायद. एनीवे, पहले ये देखो, ये हो गया. उसके बाद एक्सिस ऑफ सिमेट्री के नाम पे बच्चों दो लाइन्स हैं इसमें. फर्स्ट वाला है मेजर एक्सिस और सेकंड वाला क्या है बच्चों, दो लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसकी, तो उनको अपन नाम भी दे देते हैं माइनर एक्सिस. देखते जाओ क्लियर हो जाएगा. एक्सिस ऑफ सिमेट्री में दो लाइंस हैं, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस. लुक एट दिस क्लियरली, एक्स एक्सिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, डायग्राम इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, एंड वाई एक्सिस इज ऑल्सो डायग्राम, सॉरी वाई एक्सिस इज ऑल्सो मेजर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये वाला वाई एक्सिस भी. तो अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो दोनों को अपन एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे. पैराबोला में एक ही होता था इफ यू रिकॉल, इसमें दो हैं. तो इनको नाम क्या दिया अपन ने, देखो एक्स एक्सिस, तो कैन आई से एलिप्सिस सॉर्ट ऑफ अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब ऐसे स्ट्रेच्ड है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस के अलोंग स्ट्रेच्ड है, मतलब ए ए डैश ये वाला जो है ये वाला लाइन, इसको अपन बोलते हैं मेजर एक्सिस, क्योंकि ए ए डैश इज एक्चुअली टेक्निकली ग्रेटर देन बी बी डैश, ऐसे जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है. नीचे अपन और डिराइव कर लेते हैं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक्स एक्सिस के अलोंग स्ट्रेच्ड है, तो एक्स एक्सिस को अपन नाम देते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है, और वाई एक्सिस को अपन क्या नाम दे देते हैं माइनर एक्सिस, जस्ट अ नोटेशन. तो मेजर एक्सिस किस लाइन को बोला अपन ने, मेजर एक्सिस इज एक्चुअली लाइन ए ए डैश, ठीक है, और फिलहाल विच इज एक्स एक्सिस. तो इसकी इक्वेशन क्या है बच्चों मेजर एक्सिस के, राइट नाउ इक्वेशन इज वाई इक्वल्स टू जीरो, और इसकी लेंथ क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए बोलते हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब टू वे, सिंपल याद रखो. माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, जब ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है बीबी डैश पे, तो लाइन बीबी डैश इज कॉल्ड माइनर एक्सिस. माइनर एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस की इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू जीरो, और इसकी लेंथ टेक्निकली क्या हो जाएगी बच्चों, टू बी. देखो कैसे, टू बी कैसे, अगर अपन को माइनर एक्सिस देखना है बी और बी डैश, तो बी और बी डैश के कॉर्डिनेट निकाल सकते हैं क्या अपन, कैन वी फाइंड कॉर्डिनेट्स ऑफ बी एंड बी डैश. हाँ, इट्स लाइक वेर इज एलिप्स इंटरसेक्ट मीट कर रहा है, तो एक्स को जीरो रखो, वाई का कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, प्लस माइनस बी. तो एज यू कैन सी ये आ रहा है 0, b, और अरे यार नेट बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है,
कैपिटल बी इज जीरो कॉमा बी एंड कैपिटल बी डैश इज जीरो कॉमा माइनस बी. तो बी बी डैश इज टू बी, लेंथ इज टू बी. ओके, तो ये वाला नोटेशन भी देख लेते हैं. देखो वर्टाइसेस तो हो गया ये, और इसकी एक्सट्रीमिटीज को बोलते हैं बच्चों एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर एक्सिस आर बी एंड बी डैश. तो बी और बी डैश टेक्निकली वर्टाइसेस नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर एक्सिस. तो एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर होते इतना ठीक है, ये सब कॉपी कर लेंगे अपन, बट एक एक करके नोटेशन सारे रटते जा रहे हैं अपन, सब याद होता जा रहा है अपन को. ओके, उसके बाद देखो ये तो आपने देखा ही होगा पीएस को क्या बोलते थे बच्चों, याद है पीएस एक पॉइंट है इलिप्स पे, तो एन क्या बोलते थे? फोकल लेंथ. फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंथ. फोकल लेंथ. पीएस एंड पी डैश को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ एंड फोकल 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 रेडियस. हां वेरी गुड. तो पीएस एंड पी रेडियस. हां तो पीएस एंड पीएस डैश को बोलते हैं फोकल लेंथ, और कहीं-कहीं पे फोकल रेडियस भी बोलते हैं. बट जो पीएम एंड पी डैश को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट लेंथ. कई जगह इसको डायरेक्ट रेडियस बोलते हैं. नोटेशन इतना जरूरी नहीं है वाला, बट ऐसे करते हैं. हाँ डायरेक्ट क्या बोलेंगे इस बार. सॉरी पता नहीं है, नेट डिस्कनेक्ट हो गया. नेवर माइंड. अभी आवाज आ रहा है? यस सर. अरे यार आज कुछ ज्यादा ही फ्लक्चुएट हो रहा है, सॉरी फॉर दैट. चलो एनीवे अब जो दो तीन छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ वो लिखने की भी जरूरत नहीं है. क्या आप लोगों ने सुना था ये वाली बात, डबल ऑर्डिनेट याद है? यस सर. वर्टिकल ऐसे जो पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स अगर कॉर्ड बनाओगे तो इट विल बी कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट. ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कॉर्ड बनाओगे तो कैन यू गेस उसका नाम क्या होगा? डबल ऑर्डिनेट. डायमीटर. नहीं हॉरिजॉन्टल कॉर्ड. नो. वापस सोचो, डायमीटर तो सेंटर से पास होगा, इसका डायमीटर और उसका डायमीटर काफी डिफरेंट होगा बच्चों. एक सेकेंड, क्या हो गया अभी? डबल एब्सिसा. हाँ डबल एब्सिसा, करेक्ट. डायमीटर नहीं, डबल एब्सिसा कहलाएगा वो. डायमीटर बेसिकली बच्चों सेंटर से पास होगा, तो डायमीटर एक्चुअली कौन सा लाइन होगा? मैं इसे बना देता हूँ चलो अलग से, बट वो डायग्राम थोड़ा कचरा होता जा रहा है. बट एनीवे 0.0 से पास होगा ना डायमीटर, ये होगा बच्चों डायमीटर. दिस इज अ डायमीटर. ओके, ऐसी वाली लाइन को डायमीटर बोलेंगे. दिस इज अ डायमीटर. बाकी वो जो कॉर्ड्स में मेंशन कर रहा था ना, वर्टिकल कॉर्ड इज बेसिकली डबल ऑर्डिनेट एंड हॉरिजॉन्टल कॉर्ड जो ऐसे और ऐसे कनेक्ट होगा. मैं डायग्राम में बनाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे. ऐसा टाइप का हॉरिजॉन्टल कॉर्ड, ये इसको डबल एब्सिसा बोल सकते हो. ठीक है, तो डबल ऑर्डिनेट डबल एब्सिसा बताने की जरूरत नहीं है. बट लास्ट पॉइंट एक और आपको याद होगा जो काफी यूज आता था, विच इज लेटस रेक्टम. लेटस रेक्टम का काफी सिग्निफिकेंस था, तो यहाँ पे भी एक लेटस रेक्टम पढ़ लेते हैं बच्चों. लेटस रेक्टम यहाँ पे कितनी होंगी बताओ? कितनी? लेटस दो. तो लेटस रेक्टम दो होंगी,
तो कौन सी लाइंस होगी इस डायग्राम में बनाऊं कि ठीक है यहाँ पे ऐसे वर्टिकल ऐसे मतलब यहाँ पे बनाऊंगा तो बोर हो जाएगा यार, बट लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, वर्टिकल लाइंस पासिंग थ्रू फोकस, वर्टिकल मतलब पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स होती है लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम दो लाइंस होंगी, उनकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए है ना, ए कॉमन जीरो सर, ठीक है, बट इसका लेंथ और एक्सट्रीमिटी अगर निकालना है तो इसको आपको एलिप्स से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसका लेंथ क्या आता है मैं बता देता हूं, लेंथ इज 2b² / a एंड इसका एक्सट्रीमिटीज क्या आता है, इसका एक्सट्रीमिटीज बेसिकली आएगा प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय, दिस यू हैव टू रिमेंबर, लेट्स सी हाउ वी केम टू दिस, ये भी देख लेते हैं कि आया कहां से, ठीक है, ये आया कहां से, अगर आपको x इक्वल टू प्लस माइनस ये ऐसे दो लेटर्स रेक्टम होंगी, तो अगर आपको ये एक्सट्रीमिटीज निकालना है तो आपको इसको एलिप्स से सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो कैलकुलेशन है दिखा देता हूं बट डोंट कॉपी दिस, तो सॉल्व दिस विद एलिप्स, तो एलिप्स क्या था बच्चों, x² / a² + y² / b² = 1, सिंपल, तो x को प्लस माइनस ए बाई पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये x करेगा रखो प्लस माइनस ए बाई, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज 1, तो वाई स्क्वायर क्या मिल रहा है बेसिकली बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये बन रहा है वाई स्क्वायर, बट अभी अपन ने रिलेशन थोड़ी देर पहले देखा था एसेंट्रिसिटी का रिलेशन, देखो कहां लिखा है, ये लिखा बी स्क्वायर इटसेल्फ इज ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट, बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, और लेट्स से 1 माइनस ई स्क्वायर को बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस ई स्क्वायर को बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यू अंडरस्टैंड कि ये y कोऑर्डिनेट आ रहा है प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय, तो x को प्लस माइनस ए ही रखा है तो y आ रहा है प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय, तो ये चार पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए, ये वाला ए ही है तो ये बी स्क्वायर बाय ए हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये ए ही है तो ये माइनस बी स्क्वायर बाय हो जाएगा, एंड सेम ऑन द सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो मैंने डायरेक्टली कंबाइन करके लिख दिया एक्सट्रीमिटीज आर प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय, और लेंथ क्या होगी बच्चों, ये लेंथ, ये y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ना, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 2b स्क्वायर बाय, तो डू नॉट राइट द राइट साइड वाला पार्ट, दिस इज कंप्लीट रबिश, कोई जरूरत नहीं है ये सब लिखने की, अब हमें चीजें समझ आ गई हैं तो कुछ कुछ याद रख लेते हैं, और डेरिवेशन तो हमें अच्छे से याद था ही, तो ये हो गया कंप्लीट एलिप्स, पूरा का पूरा एलिप्स हमें स्टैंडर्ड वाला रटा गया, और स्टैंडर्ड रटा गया तो अब आगे हमें किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो एक काम करो ये वाली चीजें भी कॉपी कर लो, ये कॉपी करा है याद ही नहीं आ रहा मेरे को, सर अगर सपोज वो पूछेंगे डायमीटर का लेंथ निकालो तो कैसे निकालेंगे, डायमीटर का लेंथ फिक्स क्यों होगा दोस्त, तू खुद इमेजिन कर इसका लेंथ फिक्स क्यों होगा, इट विल वेरी, यस सर वेरी करेगा, लॉन्गेस्ट डायमीटर कौन सा वाला हो जाएगा, ए ए डैश मेजर एक्सिस, हां मेजर एक्सिस लेंथ, एंड स्मॉलेस्ट विल बी 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 डैश माइनर एक्सिस, हां तो वो वेरी करेगा, फिक्स्ड डायमीटर लेंथ नहीं होगी, तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो, ओके सर, तो फोकल लेंथ और फोकल रेडियस भी जो फोकस लिया उससे डिफाइन होगा, एग्जैक्टली यस, फोकल जैसे ये है अपना डायग्राम है ऐसा, तो ये है और ये वाला ले रहे हो तुम, तो फोकल फोकल लेंथ और डायरेक्ट लेंथ ये दोनों इसके साथ होंगे, पीएस अपॉन पीएम ये हो जाएगा, बट अगर इसको फोकस लोगे तो ये वाले को फोकल रेडियस और इसको डायरेक्ट रेडियस बोलोगे, सॉर्ट ऑफ दिस इज फोकल रेडियस डायरेक्ट रेडियस ऐसा, और वो भी डिपेंड करेगा पी पॉइंट पे, तो अपन जब तक पैरामीटर इक्वेशन नहीं सीखेंगे तब तक अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो फिलहाल इतना देखो, इतने इतने में कोई डाउट हो तो इसको जल्दी जल्दी कॉपी करो, वैसे ये रटा गया है, तो ये नोटेशन आपको अच्छे से याद रखने, बस इसके बाद अब सब कुछ इजी है, हाँ मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, अच्छा हाँ वैसे बहुत सिंपल सिंपल सा ही, तो कॉपी हो गया होगा, जल्दी जल्दी कॉपी करते जाओ, थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, तो ये वाले जो मैंने लिखे ना 6-7 चीजें, ये एकदम अभी पे अभी अभी के अभी रख लो, सेंटर 0-0, वर्टाइसेस
प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, मेजर एक्सिस 2a, माइनर एक्सिस 2b, लेटेस्ट रेक्टम, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय एवरीथिंग। ये अभी क्या याद रख लो, लाइफ बहुत ईजी हो गई हमारी, ये वाला स्टैंडर्ड इलिप्स हमने बहुत अच्छे से रख लिया है, अब हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। दो फोकस, दो डायरेक्ट्रिक्स, किसको एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सब अच्छे अच्छे से रखा गया, अब अपन इजीली आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यस सर, नोटेड। वेट सर, लैटरल रेक्टम लिख रहा हूँ। ओके ओके, सर एक बार सारा नोमेनक्लेचर के बाद डायग्राम पे दिखा दीजिएगा ना, सब लोड कर लेंगे फिर। अरे डायग्राम पे एक्चुअली कुछ लिखा ही नहीं है, क्योंकि डायग्राम में भी लिखूंगा तो बहुत कचरा हो जाएगा, इसलिए मैंने सेपरेटली लिख दिया, बट अगर डायग्राम में कुछ नहीं क्लियर हो तो बताओ। यहाँ पे लिखूं नोमेनक्लेचर? नहीं नहीं सर, वो बस नोट करना था एक बार। अच्छा देख लो, इसमें कुछ नोट करना है तो कर लो। ए ए डैश कौन सा पॉइंट था, बी बी डैश कौन सा पॉइंट था, बट आई थिंक अभी ये याद हो ही गया तुम लोगों को, अपन ने इतना टाइम स्पेंड करा इस पे तो ये याद हो ही गया। तो नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं? हाँ एक सेकंड बस, किसी को डायग्राम के भी नॉमेनक्लेचर बना दें। डायग्राम में बहुत अच्छा, मैं अलग से सेपरेटली नीचे कर देता हूँ। Yes. अलग सेपरेटली, बट वो कॉपी मत करना बस, मतलब okay. मैं थोड़ा कचरा टाइप बना रहा हूँ ऐसा। तो ये a वाज a कॉमा जीरो, a डैश वाज माइनस a कॉमा जीरो, दिस वाज मेजर एक्सिस, अरे बहुत गंदा डायग्राम बन रहा है, मैं इसे रफली बना रहा हूँ, ये डायरेक्ट्रिक्स, फोकस वाज a कॉमा जीरो और इसके वर्टिकल लाइन इज लेटस रेक्टम, दिस इज लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज क्या है, ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए, दिस इज ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए। सिमिलरली एस डैश भी फोकस है और ये वाला लाइन भी डायरेक्ट्रिक्स है, दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट्रिक्स। इसकी इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई, इसकी इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू ए बाई। ये वाला हो गया माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की एक्सट्रीमिटीज हो गई बी और बी डैश, which are 0, minus b and 0, b. c is basically the center, origin is the center. All right? और I think, ठीक है, बाकी अब focal triangle क्या ही बनाऊंगा? Minus a, b square by a, and this is minus a, minus b square by a. So these are all the things that you need to know. बस. Thank you, sir. तो ये diagram ठीक है, समझ गया, मतलब एकदम like रटा गया होगा यार मेरे हिसाब से, I'm assuming. तो अपन इसको लिखो मत, डोंट वरी, ये याद हो जाएगा, दो लेक्चर में तो पूरा याद ही हो जाता है, कुछ ज्यादा है नहीं। तो अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर कॉपी हो गया हो तो, और अगर कुछ मिस भी हो रहा है तो डोंट वरी, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो वो एक दो छोटी मोटी चीज अगर मिस हो रही है तो वो कॉपी हो जाएंगी वापिस से, ठीक है? यस चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि समन पॉइंटेड आउट सर की ये y-axis पे नहीं हो सकता था, कि आपने तो बना दिया, ठीक है, फील भी आ गया थोड़ा थोड़ा कि x-axis y-axis ऐसा है, but what about any other type of ellipse? तो अपन वही आगे पढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना। तो जैसे कि आपने type of parabola पढ़ा होगा, आपने बहुत सारे parabola discover किए होंगे कि भैया खाली y-axis को 4x होता नहीं है, तो वैसे के वैसे इस पर भी अपन देख लेते हैं कि कैसे टाइप ऑफ इलिप्स होते हैं बच्चों। तो सबसे पहला वाला तो जो अपन ने भी पढ़ा है स्टैंडर्ड में बच्चों, स्टैंडर्ड में दो आते हैं, एक तो कौन सा वाला है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन। आई शुड मेंशन एंड दिस विल मैटर एक्चुअली, आई शुड मेंशन दिस, ए ग्रेटर देन बी, जो अपन ने अभी प्रॉपर डिटेल में पढ़ा है, तो इसको वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज की भैया ए ग्रेटर देन बी मतलब एक्स के नीचे वाला कोफिशियंट बड़ा है, तो इट वॉज लाइक कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आया था वो, आई विल कॉल दिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाले को अपन x-axis. But now it raises a very interesting question कि सर आपने अपने हिसाब से construction किया है, and while doing the construction, जब याद करो मैंने ऐसे mark किया था ना कि ये s है और ये directrix है, ये z है,
while doing construction I assumed this line to be x axis, maine is line ko x axis mana tha. What if I had taken this line as y axis, hai na? Aisa kar sakta tha main. I could have easily taken this with along y axis. To agar main isko along y axis leta to kya farak padta? To dhyan se dekho, along y axis leta to as you would have guessed it's like 90 degree rotation yaar, aur kya rotation of axis type ho jata. To main directly likh raha hu, वो अब उसमें जाऊंगा तो कंफ्यूजन हो सकता है. तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि इसमें वाला कैसा इक्वेशन दिखेगा, एक्स की जगह वाई और वाई की जगह माइनस एक्स, ऐसा टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा. तो बच्चों इसमें ऐसा टाइप का इक्वेशन दिखेगा, इसमें क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट सिमिलर लुकिंग, बट इफ द एलिप्सिस अलोंग वाई एक्सिस. तो बेसिकली इक्वेशन में फर्क क्या पड़ेगा, देखो अगर अलोंग वाई एक्सिस वाला एलिप्स बनता तो तुम्हारी इक्वेशन सिमिलर लुकिंग दिखती, बट एक्चुअल डिफरेंस क्या हो जाता बच्चों, तुम्हारा जो y के नीचे का कोएफिशिएंट है ना वो ग्रेटर हो जाता. मतलब ये ऐसे टाइप का दिखता, ये वाला अलोंग y एक्सिस है, यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज दिस. और अगर ऐसे x के नीचे का कोएफिशिएंट है तो दिस इज अलोंग x एक्सिस. इज दिस ओके सर? आप अलोंग y एक्सिस वाला पार्ट रिपीट कर सकते हो? वेरी सिंपल, अगर व्हाइल डूइंग द कंस्ट्रक्शन इफ आई टेकन माय दिस फोकस ऑन y एक्सिस, अपन कंस्ट्रक्शन जब कर रहे थे तो मैंने एस और ऐसे डायरेक्ट्रिक्स बनाई थी, इसको मैंने बोला था एक्स एक्सिस, बट क्यों भाई इसको वाई एक्सिस नहीं ले सकते क्या? हाँ ले सकते हैं. तो अगर ये एस और जेड आर का अलोंग वाई एक्सिस होता तो आई वुड हैव एंडेड अप गेटिंग अ एलिप्स अलोंग वाई एक्सिस, ऐसा टाइप का एलिप्स बनता. और उससे फर्क क्या पड़ता, बेसिकली उससे फर्क क्या पड़ता इक्वेशन में, रोटेशन ऑफ एक्सिस याद है क्या? रोटेशन ऑफ एक्सिस, इफ यू रोटेट बाय 90 डिग्री देन क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है, बाय एनी चांस ऐसा कुछ याद है? हमको बोला सर रोटेशन ऑफ एक्सिस पे इतना कंसंट्रेट नहीं कर रहे. अच्छा छोड़ो, तो फिर एक काम करो उस पे ज्यादा मत जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ वो फिलहाल ऐसे मान लो कि यार अगर मैं ऐसा लेता और सच में पूरा ये डिराइव करता, इफ आई डिराइव एवरीथिंग लाइक दिस तो इक्वेशन क्या बनती, मैं ये बता रहा हूँ. अब उसको वापस से डिराइव थोड़ी करेंगे अपन, इक्वेशन क्या बनती, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन, बट इसमें वाई के नीचे वाला कॉन्स्टेंट बड़ा था. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इज दिस ओके? ओके सर, गॉट इट गॉट इट. मतलब ये वाला, हाँ बोलो बोलो सर, इंटरचेंज होना चाहिए ना? तो इंटरचेंज ही तो हुआ सॉर्ट ऑफ, x की जगह माइनस y और y की जगह प्लस x रखने पे इंटरचेंज ही तो हुआ एक तरीके से. देख ना, x की जगह y और y की जगह x ही तो रखा है, देख एक बार. सो फिर तो एसेंट्रिसिटी वाला फार्मूला भी चेंज हो जाएगा. मैं बता रहा हूँ ना, चिंता क्यों कर रहा है? ओके बता रहा हूँ, चिंता मत कर, मैं सब बता रहा हूँ, सब सिखाऊंगा. हाँ तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि ये वाला जो सेकंड टाइप है विच इज लेट्स से अलोंग y एक्सिस, ये भी एक तरीके से स्टैंडर्ड एलिप्स. दिस इज ऑल्सो सिंपलेस्ट पॉसिबल इक्वेशन, बट इसमें स्टैंडर्ड एलिप्स दो ही होते हैं. पैराबोला स्टैंडर्ड कितने थे बच्चों? एक दो तीन चार, याद आ रहा है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एक्स माइनस फोर एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए वाई माइनस फोर ए वाई. बट इसमें स्टैंडर्ड एलिप्स कौन से होते हैं? दो. हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बड़ा है नीचे वाला, डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर बड़ा है तो अलोंग एक्स एक्सिस, और डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर बड़ा है तो अलोंग वाई एक्सिस. बस एज सिंपल एज दैट. ठीक है, अब देखो सेकंड क्या होता है, इसमें कितने टाइप ऑफ एलिप्स होते हैं. सेकंड हो गया शिफ्टेड, एंड शिफ्टेड इज वेरी 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 इजी. शिफ्टेड इज वेरी 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 इजी, बट इसमें एक बार पहले लिख देता हूं. शिफ्टेड का मतलब क्या हुआ बच्चों? अभी सेंटर क्या है बच्चों? ओरिजिन. सेंटर इज राइट नाउ ओरिजिन, बट क्या हमेशा सेंटर ओरिजिन रहेगा क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है. इफ यू हैव एन एलिप्स ऑफ दिस फॉर्म, लेट्स से ऐसा एलिप्स है बच्चों, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और तुम्हारा एलिप्स थोड़ा सा ऐसा है, तो इसको शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ क्या? जल्दी बताओ, ये वाली इक्वेशन कैसी बनेगी? इस वाले का इक्वेशन कैसा टाइप का होगा? इसका इक्वेशन ऐसा टाइप का दिखेगा अगर मैंने खाली शिफ्ट करा है. मेक श्योर यू अंडरस्टैंड, आई हैव जस्ट शिफ्टेड द एक्सिस. शिफ्ट करूंगा तो सॉर्ट ऑफ ये इक्वेशन ऐसा दिखेगा. मतलब जस्ट इतना सिंपल है कि ये वाला इक्वेशन इसका सेंटर x1 by 1 होगा. बेसिकली ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है ना, इन दोनों को जीरो रख दो, अंदर वाली क्वांटिटी को जीरो रख दो तो सेंटर मिल जाएगा. तो जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर तुम्हें ये वाला एलिप्स अगर सोचना है कि ये कैसा टाइप का होगा, एकदम से तुम्हें समझ नहीं आएगा ना ये कैसे टाइप का एलिप्स होगा, तो सबसे पहले क्या निकालो, सबसे इजी होगा सेंटर निकालो. तो सेंटर कैसे निकालोगे बच्चों? इन दोनों को जीरो रख दो, परफेक्ट स्क्वायर को.
तो सेंटर आ गया माइनस थ्री कॉमा टू, तो हमें ये तो समझ आ गया ना कि सेंटर इज माइनस थ्री कॉमा टू, तो माइनस थ्री कॉमा टू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका ओरिएंटेशन कैसा है, अलोंग एक्स एक्सिस वाला ओरिएंटेशन है कि अलोंग वाई एक्सिस वाला, अलोंग वाई एक्सिस, समझ गया, ऐसा टाइप का कुछ बन रहा होगा। ऑलराइट, तो तुम्हें शिफ्टेड वाला भी बहुत इजीली क्लिक हो जाना चाहिए। एंड व्हाई हैव आई रिटन एक्स वाई टर्म नहीं होगा शिफ्टेड में, ये बताओ शिफ्टेड में एक्स इंटू वाई का टर्म क्यों नहीं है, क्योंकि अगर शिफ्ट करते हो तो याद आ रहा है एक्स की जगह क्या रखते थे, ऐसा कुछ रखते थे ना बच्चों, ऐसा रखते थे इक्वेशन में, तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी इक्वेशन कैसी बनेगी, ऐसे टाइप की इक्वेशन बनेगी, है ना, ऐसे टाइप की इक्वेशन बनेगी। एलिप्स की इक्वेशन में शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के बाद एक्स स्क्वायर टर्म बनेगा, एक्स का टर्म बनेगा, वाई स्क्वायर टर्म बनेगा, वाई का टर्म बनेगा। इज देयर एनी वे एक्स इंटू वाई बन जाए, जल्दी बताओ, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एक्स इंटू वाई बन जाए इसमें, जस्ट नो सर, वेरी गुड नो सर। तो एक्स इंटू वाई का सिग्निफिकेंस क्या है बताओ, x into y term का significance क्या है? और वो orientation decide करता है ellipse का। Orientation बिल्कुल। तो अगर x into y का term present है ना, तो वो बहुत बहुत irritating हो जाता है। अगर x into y का term present है, तो actually थोड़ा सा tilted type ellipse होगा। But अगर x into y का term present नहीं है, तो ये अपने लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। वो shifted हो सकता है या standard हो सकता है, ठीक है? So I hope this is crystal clear to you, ठीक है? ये वाला point समझाओ। उसके बाद थर्ड वाला देखो, यही वाला सबसे बुरा वाला है, और इसको अपन एकदम एंड में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं इसको खाली मेंशन कर रहा हूं। यस, अभी दो मैंने स्टैंडर्ड इलिप्स समझाया है, बट मैंने इसके फॉर्मूले नहीं सिखाए, और तुम्हें याद होगा तुमने एक्चुअली में कभी भी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बी वाई, इनके फॉर्मूले तुमने सेपरेटली याद नहीं रखे होंगे। इनके फॉर्मूले तुमने कैसे निकाले थे, कंपेरिजन याद है? यस सर। हाँ, तो इसमें भी अपन स्टैंडर्ड इलिप्स को अच्छे से रट लिए। उसके बाद कोई और था इलिप्स का, अगर आपको फॉर्मूला निकालना है स्टैंडर्ड इलिप्स से कंपेयर, तो वो मैं कंपैरिजन पे आ रहा हूँ, बट पहले मैं ये बेसिक आपको समझा देता हूँ। अब ये थर्ड वाला, हाँ बोलो सर, वो x + 3 होल स्क्वायर और y - 2 होल स्क्वायर बाय 4 = 1 वाला इलिप्स में तो क्या बोलते उसको, a less than b है ना इसमें, ये है greater than b है ना, y के नीचे वाला बड़ा sorry, है ना, y के नीचे वाला बड़ा, तो ऐसे वर्टिकल कर दो, x के नीचे बड़ा होता तो हॉरिजॉन्टल कर दो बस, ठीक है। अरे वैसे ये डायग्राम बनाने को नहीं आएगा कभी, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये दिखेगा कैसा सॉर्ट ऑफ, कभी अगर ऐसे इंटरप्रेट करना हो तो, बट डायग्राम बनाने को आएगा थोड़ी कभी। चलो जनरल एलिप्स, तो इसमें थोड़ा पेशेंटली काम करना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वैसे बेसिकली जनरल एलिप्स सिलेबस में नहीं है, दे डोंट आस्क यू जनरल एलिप्स के क्वेश्चन, बट मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूंगा कि कभी भी कुछ भी आ जाए तो अपन टैकल कर पाए। तो जनरल एलिप्स, अब देखो मैं थोड़ा अलग डायमेंशन में जा रहा हूँ, थोड़ा अलग तरीके से दिखा रहा हूँ। जनरल एलिप्स क्या होता है बच्चों, एक्स वाई टर्म भी प्रेजेंट होगी इसमें, ठीक है, एक्स वाई टर्म विल ऑल्सो बी प्रेजेंट इन दिस, ओके। तो पहले मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा अलग तरीके से। जनरल एलिप्स मतलब प्रॉपर जनरल टू डिग्री इक्वेशन जैसा दिखेगा, जनरल इलिप्स मतलब जनरल प्रॉपर टू डिग्री क्वेश्चन जैसा दिखेगा, ओके। तो जनरल इलिप्स में फॉर दिस टू बी एन इलिप्स क्या कंडीशन होगी बच्चों, या आपने आई थिंक सीख लिया होगा, h स्क्वायर लेस देन ab इक्वल टू 0, h स्क्वायर लेस देन ab, हां डेल्टा नॉन जीरो जरूरी है, क्योंकि डेल्टा जीरो हो गया तो वो बाय डिफॉल्ट लाइन पेयर हो जाता है। तो फॉर दिस टू बी एन इलिप्स डेल्टा हैज टू बी नॉन जीरो एंड h स्क्वायर हैज टू बी लेस देन ab। So this represents a general 2 degree equation which is an ellipse. तो इसका डायग्राम कैसा होगा बच्चों, sort of, अगर ये coordinate system है तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा टाइप का होगा, मतलब इसका major और minor axis थोड़ा सा tilted होंगे। तो मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से सिखाता हूँ बच्चों, इसको थोड़ा सा सुनते जाना, थोड़ा patience की जरूरत है, क्योंकि ये topic भी थोड़ा सा complicated है। तो मैं general ellipse tackle कर रहा हूँ बट बहुत different तरीके से, बट ये समझ आ जाएगा तो आपका आने वाले दो लेक्चर ईजी हो जाएंगे। कंपैरिजन अम्पैरिजन प्रॉपरली 100% समझ आएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप। अब देखो जनरल इलिप्स को कैसे अपन टैकल कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू यूज स्टैंडर्ड इलिप्स ओनली, बट लेट्स सी हाउ। अब ये सुनना अच्छे से, ठीक है, और आर्ग्यू करना हो तो अच्छे से आर्ग्यू कर लेना। तो कंसिडर दिस डायग्राम, मैं बहुत अलग तरीके से बता रहा हूँ इसको, बट लाइफ विल बिकम ईजी आफ्टर सम पॉइंट। सो इसको ध्यान से देखो, ये डायग्राम मैं स्टैंडर्ड ही बना रहा हूँ, बट मैं इसको स्टैंडर्ड लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। आई हैव नॉट रिटन इट एज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बस देखते जाओ,
ओके, अगर ये स्टैंडर्ड था तो ये इक्वेशन थी ना, और दिस वुड हैव बीन एक्स एक्सिस एंड दिस वुड हैव बीन वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखो, मैं उसी चीज को थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता, मैं इसी चीज को ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो मैं ये लिख सकता हूं इक्वेशन पी एल स्क्वायर, तो पी एल बेसिकली एक्स ही हुआ ना, अपॉन ये देखो ए स्क्वायर, मतलब सेमी मेजर लिख सकता हूं क्या, आर यू ओके विद दैट नोटेशन? अगर टोटल को मेजर बोलते हो, टू ए मतलब मेजर एक्सिस, तो ए मतलब सेमी मेजर है ना, मतलब आई थिंक इट्स प्रीटी ओके। वाई स्क्वायर को मैं ये लिख रहा हूं पी एन स्क्वायर अपॉन, इसको मैं सेमी माइनर लिख रहा हूं, ठीक है, सेमी माइनर, वो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। मैं सॉर्ट ऑफ इक्वेशन को ऐसे लिख दिया हूं, और अब इसको अच्छे से सुनना और आर्ग्यू कर लो अगर बिल्कुल भी फील ना है तो पी ये डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन सेमी मेजर स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन सेमी माइनर का स्क्वायर, ये वन होगा। दिस इज व्हाट आई हैव कंक्लूडेड फॉर द टाइम। अब एक काम करो, अब तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम को शिफ्ट एंड रोटेट कर दो, समझते जाना और आर्ग्यू कर लो फील ना आए तो। कोऑर्डिनेट सिस्टम को शिफ्ट एंड रोटेट कर लो। इफ आई हैव शिफ्टेड द कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड रोटेटेड द कोऑर्डिनेट सिस्टम, डज इट चेंज लेंथ के रिलेशन? जल्दी बताओ। बिल्कुल भी नहीं। कोऑर्डिनेट चेंज होगा, स्लोप चेंज होगा, इक्वेशन चेंज होगी, आई अग्री, बट लेंथ के रिलेशन कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो जरा सोच के बताना, अगर मैंने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम शिफ्ट एंड रोटेट किया है, तो क्या ये डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन सेमी मेजर स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस सेमी माइनर स्क्वायर वन नहीं होगा क्या? इज इट नॉट वन? होगा। ये तो लेंथ का रिलेशन है, लेंथ का रिलेशन लिटरली, ये लेंथ थोड़ी चेंज हो गई पीएल, ये पीएन पॉइंट का लेंथ थोड़ी चेंज हो गया पीएन डिस्टेंस, तो ये तो अभी भी वैलिड है ना। बट अभी अपना सिस्टम कैसा हो चुका है, अपना एलिप्स कैसा हो चुका है, अगर मैंने शिफ्ट और रोटेट कर दिया तो ये एलिप्स कैसा हो गया बच्चों? जनरल है ना, बट जनरल में भी ये चीज तो फॉलो हो रही है ना, ये जो मैंने लिखा हुआ ये ऐसा, ये तो अभी भी ट्रू है ना। हाँ, तो अब अपन इसी पे अपना पूरा जनरल एलिप्स बिल्ड करेंगे। तो देखो क्या चल रहा है, क्या है कैसे आए? ये तो सिंपल ना, देख स्टैंडर्ड एलिप्स में क्या था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो मैंने पी पॉइंट लिया, पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करा इस पे, तो एक्स मतलब बेसिकली ये था ना पीएल, पीएल वाज एक्स, तो पीएल स्क्वायर बाई सेमी मेजर स्क्वायर पीएन स्क्वायर बाई सेमी माइनस स्क्वायर इज वन, मैंने बेसिकली ये बोला था, ठीक है? यस सर, गॉट इट सर। उसके बाद शिफ्ट एंड रोटेट कर दिया तो डिस्टेंस के रिलेशन चेंज नहीं होंगे, तो फिलहाल ये रिलेशन विल स्टे ट्रू। बट अब इस बार मैं इसको इंटरप्रेट कैसे करूं, मतलब क्या है ये, ध्यान से देखना। P क्या है बच्चों? P तो अपना लोकस ऑफ एलिप्स है ना? P लोकस ऑफ एलिप्स है। P इज अ वेरिएबल पॉइंट बट स्टिल इट ट्रेसेस अपना एलिप्स, जो भी अपना एलिप्स है। बट अपन को सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना, PL क्या है? व्हाट इज PL? PL इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P लोकस ऑफ एलिप्स फ्रॉम, जल्दी बताओ, टेक्निकली PL माइनर एक्स, माइनर एक्स, वेरी गुड, एक्सीलेंट जॉब। और PN क्या कहलाएगा बच्चों? मेजर। हाँ, PN इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम मेजर एक्सिस, और ये सबसे क्रूशियल है, इससे अपना पूरा का पूरा जनरल 2 डिग्री भी काफी हद तक सॉल्वेबल हो जाएगा। PL स्क्वायर अपॉन सेमी माइनर का सेमी मेजर का स्क्वायर, PN स्क्वायर अपॉन सेमी माइनर का स्क्वायर, बट PL PN है क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अभी तक कोई डाउट है? अभी तक कोई डाउट है? No, sir. तो अब ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा फील आए कि अच्छा ऐसे भी होता है। तो जैसे मान लो मेजर एक्सेस ऐसी टाइप की लाइन है, जनरल ले रहा हूं, देख लो एक बार, ठीक है, मेजर एक्सेस ऐसी टाइप की लाइन है और माइनर एक्सेस इसके परपेंडिकुलर होगा, तो आई होप एवरीबडी इज ओके विद दिस थिंग। मेजर एक्सेस ऐसा लाइन है, माइनर एक्सेस ऐसा लाइन है, देन तुम्हारा एलिप्स कैसा दिखेगा? ऑफ कोर्स दिस इज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि एलिप्स दिखेगा कैसा, जनरल एलिप्स, एलिप्स कैसा दिखेगा? पी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली ऐसा दिखेगा बच्चों, है ना? बट इसके नीचे क्या आना चाहिए, इसके डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए?
सेमी मेजर, तो कैपिटल ए से डिनोट कर दूं फॉर द टाइम बीइंग, मतलब मैं लिख देता हूं, चलो इसका मेजर एक्सिस का लेंथ अपेरेंटली देना पड़ेगा आपको 2a, और माइनर का लेंथ क्या देना पड़ेगा 2bd, ठीक है। उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम मेजर एक्सिस, यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम मेजर एक्सिस, तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम मेजर एक्सिस, ऐसा बन रहा है अपॉन सेमी माइनर इक्वल्स टू 1, ये क्लियर है क्या? तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज ऐसा टाइप का दिखेगा बच्चों, इसको तुम हमेशा रूट में लिखोगे, थोड़ी कॉन्स्टेंट तो तुम ऐसे मिक्स कर दोगे ना, कॉन्स्टेंट तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कैपिटल ए को तो मिक्स कर दोगे, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, और क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज हियर, क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज हियर के टू स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सो लाइन 1 का स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, लाइन 2 का स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इज एलिप्स वेयर L1, L2 क्या होने चाहिए बच्चों? Perpendicular. Major and minor axis ना? हाँ, major और minor भी perpendicular. Just पहले मैं बोल रहा हूँ. और जैसे देखो, अगर K1 बड़ा था, पहले यहाँ पे देखो, capital A के ऊपर वाली कौन सी equation बनेगी? Capital A है major axis length. तो major axis length के ऊपर equation किसकी दिखेगी? ये minor axis. हाँ, minor axis की equation दिखेगी. और capital B के ऊपर किसकी equation दिखेगी? Major axis. अगर मैं आपको जस्ट ऐसे ही इतना इंफॉर्मेशन पूछ रहा हूँ, डोंट राइट दिस, जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि आपको समझ आया क्या। अगर मैंने ये दे दिया तो आपको ये तो समझना था कि ये तो बहुत गंदा है, इसमें x into y का टर्म बनेगा, बट एटलीस्ट आप ये जज कर सकते हो कि ये सॉर्ट ऑफ ओरिएंटेशन क्या होगा और कैसा मेजर माइनर एक्सिस होगा, क्या होगा, ये जज कर सकते हो थोड़ा सा। Yes. Yes. ये कौन सी लाइन है? Yes. Minor axis. Minor axis. ये कौन सी लाइन है? Major axis. Major axis. ये दोनों लाइन तो हमें बहुत इजीली बनाना आता है कि ये हो गया x plus y equals to 2 और ये हो गया इसका स्लोप क्या 1 और कहां से पास हो रहा है -1, 0 ऐसा। तो ये माइनर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस है। अच्छा ये अच्छा कट कर रहे हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट छोड़ो, मैं हो सकता है गलत बना दूं। तो इसका मेजर एक्सिस ये है ना, तो ये सॉर्ट ऑफ ऐसा टाइप का एलिप्स बन रहा होगा। थोड़ा सा आइडिया लग गया क्या? थोड़ा सा आइडिया, आई एम नॉट सेइंग 100%, बट थोड़ा सा बेसिक आइडिया, ओरिएंटेशन समझ आ गया ना? सर मेजर एक्सिस वो दूसरा वाला होगा ना, एक्सप्लेस नहीं, जो कैपिटल बी के ऊपर मेजर एक्सिस की इक्वेशन आएगी ना। हाँ ओके, है ना, ये देखो मेजर और माइनर, कैन यू रिपीट दैट सर? आपने मेजर और माइनर की, अरे यार तुम्हारा आवाज अच्छे से नहीं आ रहा, चैट पे लिख दो एक काम करो, मैं चैट पढ़ लेता हूं। सर वो पूछ रहा आपने मेजर और माइनर डिटरमाइन कैसे किया? अरे ये ना ऊपर से ये देखना, इधर से यहां से मैं सब कुछ निकाल रहा हूँ। PL स्क्वायर क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस। तो मैंने बोला कि अगर मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की इक्वेशन सच में पता ही तो इक्वेशन, अरे वही तो बोल रहा हूँ, यहां से सब कुछ डिटरमाइन कर रहा हूँ कि देख कैपिटल ए के ऊपर बेसिकली किसकी इक्वेशन बचेगी, BX - AY + C-, मतलब कैपिटल ए के ऊपर माइनर एक्सिस बचता है और कैपिटल बी के ऊपर मेजर एक्सिस बचता है, सिंपल। एग्जांपल पूछा कि अगर मैं ऐसा दे देता हूं तो ये बड़ा वाला टर्म है ना, तो इसके ऊपर माइनर एक्सिस होगा और ये छोटा वाला टर्म है तो इसके ऊपर मेजर एक्सिस होगा, ठीक है? तो सर आपने बेसिकली ए ग्रेटर देन बी का यूज किया? हाँ यस, मैं उसी का यूज करूंगा हर जगह, बट फिलहाल अभी मैंने, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम डन एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, आई डिडंट एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट एक बेसिक लेआउट तो मैंने समझा दिया आपको, और इस लेआउट में कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क। I have not explained. So, K1 is equal to A into under root A square plus B square. Can you repeat that? Can you repeat? Sir, K1 जो आपने लिखा है, that is basically capital A into under root A square plus B square, right? Correct. Okay, but उसपे मैं थोड़ा सा और expand करूँगा, but अभी इतना, इतने में कोई doubt हो तो पूछो, नहीं तो जल्दी जल्दी copy करो. I will expand on this. Comparison. फील नहीं आएगा अगर आपने ये नहीं समझ आएगा तो, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली देन कंपैरिजन में फील नहीं आएगा, बट आप ऐसे मैन्युअली रट लोगे तो आई थिंक अपन को यहां से कॉपी करना है ना टाइप ऑफ फिलिप से बच्चों। सो आपने k1 होना चाहिए क्योंकि रूट का ही वैल्यू है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अरे वो सुनना, उन सबको कचरे को मिला के मैंने k1 लिख दिया है, अभी उस पे मत जा। ये सर आपने k1 स्क्वायर लिखा, k1 होना चाहिए ना, पॉजिटिव होना चाहिए ना, इसलिए मैंने k1 स्क्वायर लिख दिया। स्टार्टिंग से कॉपी करो,
लेकिन सर रूट करने के वैल्यू पॉजिटिव ही तो होते हैं बेसिकली। अरे अगर a1 k2 लिखना है तो a1 k2 लिख दे, मैंने स्क्वायर इसलिए लिखा है क्योंकि वो अच्छा दिखता है। ठीक है ओके नो, हां इफ यू वांट k1 k2 जस्ट मेंशन k1 एंड k2 पॉजिटिव, अच्छा दिखने के लिए लिखा है। नो नो प्रॉब्लम, थैंक यू। अरे जल्दी कॉपी करो। तो शिफ्टेड वाले में हम मेजर माइनर कैसे डिसाइड करेंगे वो एक और बार बताएंगे। सिंपल, ए और बी। अब जैसे ये वाला था नीचे 4, तो हमें तो पहले ही समझ गया ना कि ये तो शिफ्टेड है, अलोंग बाय एक्सिस है। अलोंग बाय एक्सिस मतलब मेजर एक्सिस क्या हो गया, ये वाला वर्टिकल लाइन। माइनर एक्सिस क्या हो गया, मतलब इसमें भी जिस स्क्वायर के नीचे बड़ा टर्म होगा वो वाले वाक्य। यस, अगर ये बड़ा वाला है तो इसके ऊपर माइनर एक्सिस होगा y = 2, तो दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन y = 2 माइनर एक्सिस हो जाएगा, दिख रहा है? ओके सर। हां वो तो सब में वैलिड है, इट्स नॉट जस्ट फॉर जनरल। हाँ मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूँ शाम तक और सब कुछ आपको रिकॉर्डिंग और पीडीएफ भेजता हूँ, मेरे को करना है काम। आई डिडंट इवन नो कौन सी बैचेस हैं, मुझे तो कल ही पता पड़ा। मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, डोंट वरी। तो अगर कुछ मिस भी हो रहा है थ्योरी वाइज तो वापस से कॉपी कर सकते हो, 2 मिनट का काम है। जनरल आरहन, जनरल रिलीव्स में अगर आएगा भी तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको ये नहीं देंगे, ये देख के जनरल क्वेश्चन पूछना इम्पॉसिबल है। आपको यूजुअली देंगे तो कैसे फॉर्मेट में देंगे, अगर देंगे इफ तो आपको यूजुअली इस फॉर्मेट में देंगे, कहाँ गया, ऐसे टाइप का देंगे। क्या आप लोगों ने जनरल पैराबोला की इक्वेशन पढ़ी है क्या? आई एम जस्ट आस्किंग कि हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन पूरी ओपन करके दी हुई है तो उसका कैसे फोकस डायरेक्ट्रिक्स निकालते हैं वो करा। हां सर, यस सर, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाओ। हां पहले उसमें अपन एक डिस्टेंस फार्मूला ढूंढते, एक कांस्टेंट सी ऐड करते हैं अपन। हां वही लैम्डा ऐड करके फिर परपेंडिकुलर लाइंस बना के उसको करते हैं, तो फिर भी एक्चुअली उसमें क्या था, रिलेटिवली इजीियर कैलकुलेशन था, इसमें और डिफिकल्ट होता है। तो मैं कराऊंगा क्वेश्चन बट उस पे आपको 100% उसमें घुसना नहीं है। थ्योरी भले ही काम आती हो जनरल की, और जनरल इलिप्स अपने सिलेबस में नहीं है, इनफैक्ट जनरल पैराबोला भी अपने सिलेबस में नहीं है। वो जो सीखा है ना आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना, वो सिलेबस में नहीं है। इट इज सो लेंथी दैट जेई डजंट आस्क एनीमोर। पता नहीं जनरल वाले नहीं आएंगे ना, शिफ्टेड वाले आएंगे ना। जेई में, हाँ जेई में आपको जनरल पूछना इज अ वेरी 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 लेस चांस की जनरल पूछने, बट हमारे AITS में और जो तुम भी टेस्ट वेस्ट लिखोगे उसमें आ सकते हैं, तो अपन क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। ओके थैंक। करेक्ट यश, हाँ कर रहा हूँ यश, करेक्ट व्हाट यू हैव इन्फेरेंस इज करेक्ट, वही सिखाया है मैंने। चलो मैं नीचे कॉपी ये लिख रहा हूँ थोड़ा सा, इसको भी कॉपी कर लो। लास्ट इक्वेशन, यस दर्शन, जो नीचे ब्लू में लिखा है ना, मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, वो जनरल लिप्स वैसे फॉर्मेट में देखना पसंद करेंगे अपन। हाँ स्क्रॉल कर रहा हूँ। नहीं यार आशुतोष, अगर अपन इंटरचेंज ही कर दिए तो इट्स लाइक 90 डिग्री रोटेशन हो जाएगा अबाउट सेंटर। इफ यू इंटरचेंज मेजर एंड माइनर एक्सिस तो 90 डिग्री रोटेशन टाइप हो जाएगा ना। एक सेकेंड, आज मेरा सब कुछ हैंग कर रहा है, पता नहीं क्यों, इंटरनेट भी हैंग कर रहा है और वन नोट भी हैंग कर रहा है।
तो वैसे एक काम करते हैं, आज के लिए थ्योरी इतना काफी है, काफी ज्यादा थ्योरी हो गया, अपन ने अभी क्वेश्चन तो एक भी नहीं किए, बट हाँ ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे, बट इसी पे बिल्ड करूंगा बच्चों में नेक्स्ट लेक्चर। हरविल मैं वैसे भी ये शेयर कर दूंगा, तो जस्ट इन केस अगर कोई छोटा मोटा मिस हो गया है तो पीडीएफ से वापस कॉपी कर सकते हैं, आज भी शेयरिंग से पीडीएफ दी हुई। सर हाँ सर, आपने जो ब्लूज में लिखा है वो भी कॉपी करना है क्या? हाँ, जो अपने के वाले टर्म्स लिखे हैं। यस यस यस, वो काम का है, मतलब आई एम गोइंग टू बिल्ड ऑन दिस ओनली, कंपैरिजन इसके बिना फील ही नहीं आएगा, कंपैरिजन इसके बिना फील ही नहीं आएगा। कंपैरिजन इसके बिना फील ही नहीं आएगा। सो ये भी लिख देता हूँ, कैपिटल ए, कैपिटल ए के ऊपर माइनर आएगा और कैपिटल बी के ऊपर मेजर एक्सिस की इक्वेशन आएगी, ठीक है। चलो अब किसी और को कुछ पूछना है इसमें से तो बताओ। एक बच्चा बोल रहा है ये वाला स्टैंडर्ड वाला ना फर्स्ट पार्ट। यस यस, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ। सर तो जो भी हम लोग को इक्वेशन देंगे समझो जनरल में, हमेशा पहले वाले टर्म का डिनोमिनेटर कैपिटल ही रहेगा ना, ऐसे कंफ्यूजन के लिए कुछ नहीं कर सकता। एक कोई सा एक तो ग्रेटर होगा ना, कोई सा एक ग्रेटर होगा, जो भी ग्रेटर होगा उसके बेसिस पर आइदर ऐसे फॉर्मेट में आएगा या फिर ऐसे फॉर्मेट में आएगा, तो डोंट वरी। एक्चुअली जो तू पूछ रहा है वो स्टैंडर्ड जनरल एलिप्स की बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड इवेंचुअली तो किसी एक के नीचे ग्रेटर टर्म आएगा ही आएगा, इवेंचुअली किसी एक के नीचे ग्रेटर टर्म आएगा आएगा, या तो मेजर के नीचे माइनर के नीचे, ऐसा है जिसके भी नीचे आएगा उसके हिसाब से अपन मेजर माइनर डिसाइड करके सारा कंपैरिजन। वो एक्चुअली तू कंपैरिजन की बात पूछ रहा है तो आई विल सजेस्ट वेट फॉर वन लेक्चर। ओके सर, वेट फॉर वन लेक्चर, वो नेक्स्ट लेक्चर सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके गॉट इट, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, बाय बाय सर। एक सेकंड, जनरल एलिप्स का इक्वेशन लास्ट के इनके चंद्र। अच्छा ये देख लो, ये वाला ना, अच्छा ये वाला, ठीक है। और किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, आई विल वेट 3-4 मोर मिनट्स। वैसे मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तो डोंट वरी, लाइक अगर कोई छोटा मोटा मिस होगा तो इटली फाइन। हाँ, जनरल एलिप्स में हमेशा ए ग्रेटर देन बी रहेगा, ऐसा कुछ बी ग्रेटर देन ए नहीं आएगा? इट कैन बी एनीथिंग, वन ऑफ दीस डिनोमिनेटर्स हैज टू बी ग्रेटर, वन ऑफ दीस डिनोमिनेटर्स हैज टू बी ग्रेटर। ओके सर, जो मतलब जो बड़ा रहेगा उसके ऊपर हमेशा माइनर आएगा। हाँ, ग्रेटर वाला ये है और इसको लिख देता हूँ, लेसर वाला जो टर्म है उसको कैपिटल बी। अरे तो चिंता मत करना, मैं नेक्स्ट लेक्चर और क्लेरिफाई कर दूंगा, आई डिडंट से कि आई एम डन एक्सप्लेनिंग, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा इसमें, बिल्ड करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो अगर और कोई डाउट नहीं है तो आई डिस्कनेक्ट, ठीक है। जनरल वाला इक्वेशन, हाँ जनरल ये वाला ax2 2hxy वाला सर, इसके नीचे भी कुछ था ना? नहीं, दिस वॉज द लास्ट थिंग, वो तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था कि जस्ट अगर ऐसा टाइप का दिखे तो कैन यू एटलीस्ट जज कि कौन सा मेजर एक्सिस और कौन सा माइनर एक्सिस है। आई वॉज जस्ट टेलिंग दिस, जस्ट दिस। तो ये अपेरेंटली बड़ा वाला टर्म है ना, तो बड़ा वाला टर्म के ऊपर कौन आता है? माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस इज वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स और ये वाला हो जाएगा वाई इक्वल्स टू एक्स मेजर एक्सिस, ठीक है, बस। ओके सर, थैंक यू। हाँ चलो, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर। हाँ, आज शाम तक सारा ग्रुप बन जाएगा और उस पर आपको सब कुछ फॉरवर्ड हो जाएगा, लाइक 1:30 के बाद आई विल डू, क्योंकि 1:30 तक तो तुम्हारे भी लेक्चर होंगे, ठीक है। बाय सर, थैंक यू सर, बाय, गुड डे।